हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम पुरानी चुनियों से बिल्कुल ही नए डिज़ाइन का डोरमेट बनाना सीखेंगे। आप इसे डोरमेट भी बना सकते हो, थोड़ा सा बड़ा बना के पूजा का आसन भी बना सकते हो, टेबल मैट भी बना सकते हो, और अगर आप वूल से बनाओ तो थालपोस भी बना सकते हो। ये देखिए, इतनी चौड़ी चौड़ी मैंने चुन्नी की पट्टियाँ बनाई हैं और पट्टियाँ बना के ऐसे मैंने रोल बना लिए हैं, और उसके लिए मैंने 8 नंबर की नीडल्स का यहाँ पर यूज किया है। तो सबसे पहले हम इसमें फंदे डाल लेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम येलो के फंदे डाल लेंगे। तो ऐसे हम एक नोट लगा लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा आप इसको टाइट कर लीजिए और हम ऐसे फंदे डालेंगे। एक हमारा नोट से हो गया, एक हमने डाल लिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरीके से मैं ये येलो के 32 फंदे मैं इसमें डाल लेती हूँ। येलो से डाल दिए। अब 2 फंदे मैं यहाँ पे रेड से डाल लूँगी। ये देखिए, छोटी सी हम यहाँ पे आप नोट लगा लेना, स्लिप नोट लगा लेना, या आप ऐसे ही डाल लेना। देखना, 2 फंदे मैंने रेड से डाल लिए। ऊपर मैं यहाँ पे 6 फंदे, डिजाइनर बॉर्डर बनाएंगे हम तो 6 फंदे मैं ऊपर डालूँगी। देखिए, ऐसे पकड़ लेंगे और हम ऐसे डाल लेंगे। देखिए, 2, 3, 4, ये देखिए 5, और ये एक लास्ट का। मैंने छोटी पट्टी ली है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने इसमें कम फंदे डालने हैं। ये देखिए, अगर आपको दिक्कत हो तो आप थोड़ी सी आप बड़ी ले लीजिए। ये देखिए, 32 फंदे ये हैं, 2 ये हैं और 6 फंदे ये हैं। तो टोटल हमारे पास 40 फंदे इसमें हो गए हैं। ये हमारी उल्टी साइड है, ये सीधी साइड है। तो आप देखिए, अब हम अपना इसमें डिजाइन स्टार्ट करेंगे। इसको भी आप देखिए, इसी के अंदर भी आप इसमें ऐसे खोल के इसको हम ऐसे अंदर इसको लपेट लेंगे। बहुत ही हम इसको सफाई के साथ बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, 1, 2, 6 फंदे हम ये बना लेंगे। ये फर्स्ट रो फ्रेंड्स, थोड़े से फंदे टाइट हैं। जब आप थोड़ा सा इसको बना लोगे, ये एक रो, एक दो रो, तो ऊपर बहुत ही जल्दी जल्दी बन के ये कंप्लीट होगा। ये देखिए, ये हमने बना लिए। आप देखिए, ये जो फ्रेंड्स 2 फंदे हैं हमारे, जो आपके पास सबसे ज़्यादा कलर हो, ये पूरा हमारा ये इसमें बेस बनेगा इसमें, तो ये कलर हमारा सबसे ज़्यादा लगने वाला है। तो आप इसको जो आपके पास ज़्यादा हो उसी के आप ये 2 फंदे डालिएगा। ये देखिए, इसको हम पट्टी को ही साइड कर लेंगे। अब रेड से हम देखिए, और इसको भी हम, ये देखिए, इसको हम ऐसे लपेट लेंगे। तो हम 1, ध्यान से देखिए, 2, और 1 हम येलो का आगे से ले लेंगे। ये देखिए, और अब हम इसको ऐसे कर लेंगे, इसको ऐसे टाइट कर देंगे, और इसका भी हम ये इसी के अंदर ऐसे लपेट लेंगे। और ये हम नीचे तक अब येलो से बनाएंगे। एक फंदा हमने इसमें रेड में कन्वर्ट कर लिया। और ये देखिए, इसी तरीके से आप, अगर आपका ये ऐसे रह जाए तो आप ऐसे इसमें दबा दीजिए। ये देखिए, ये जॉइंट हमारा लग गया है। तो पूरी रो में नीचे तक ऐसे ही उल्टा उल्टा बना लेती हूँ। लास्ट तक आ गई हूँ, ये 2 फंदे लास्ट के हम छोड़ देंगे और हम यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे। फर्स्ट वाला उतार लेंगे और ये हमारी सीधी साइड बनेगी। तो सीधी साइड से ये पूरी रो हम
इसी तरीके से उल्टा उल्टा बना के इसे हम कंप्लीट करेंगे, और जो जिस कलर का होगा हम उसी कलर से इसको बनाएंगे। देखिए ये चुन्नी होती फ्रेंड्स हमारी, तो इसमें बीच में से निकल जाती है नीडल्स, तो उसको आप ऐसे एक बार निकाल के दोबारा फिर से बना लीजिए। ये देखिए, तो मैं पूरी इसी तरीके से उल्टा उल्टा मैं यहाँ तक इसको बना लेती हूँ। ये देखिए ऊपर तक आ गई हूँ मैं इसे बनाती हुई। इसको पीछे कर देंगे, ध्यान से देखिए, और पीछे से रेड पट्टी ऐसे क्रॉस करके आगे लेके आएंगे। क्रॉस ज़रूर करना आप, नहीं तो हमारा बीच में गैप बन जाएगा। ये देखिए ये तीन फंदे हमारे रेड के हैं, तो हम रेड से बनाएंगे। आगे हमारा वाइट है तो इसको पीछे करेंगे, और पीछे से ये देखिए हमारी ये वाइट पट्टी है, तो इसको ऐसे हम आगे लेके आएंगे, और ये हम आगे के वाइट से बना देंगे। ये छह फंदे हैं, इनका हम कलर चेंज करते रहेंगे, लेकिन ये हमारे छह फंदे ही एंड तक इसी तरीके से चलेंगे। इसको पीछे करके किनारे वाले को हम हमेशा सीधा बनाएंगे। ये देखिए अब पलट लेंगे, ध्यान से देखिए। अभी हम दो रो हमने वाइट की बना ली हैं, दो और हम इसी तरीके से बनाएंगे, फिर हम कलर चेंज करेंगे। फर्स्ट वाला उतार लिया, ये देखिए छह फंदे हम बना लेंगे। आप यहाँ पे मैंने दो दो चार चार रो बनाई हैं, आप यहाँ पे बॉर्डर में दो दो रो भी बना सकते हो, दो रो के बाद अपना कलर चेंज कर सकते हो। मैं चार के बाद करूँगी। ये देखिए ये हमारे छह बन गए, ऐसे करेंगे इसको, ऐसे क्रॉस कर लेंगे। ये रेड हम बनाएंगे तो ऊपर से आ जाएगा। ये देखिए तीन थे हमारे पास है। अब ये जो रेड की हमारी जो पत्ती बनेगी ये हमारी अंदर की तरफ बढ़ेगी, तो एक एक फंदा हम इसमें कन्वर्ट करते जाएंगे। रेड के फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे, येलो के हमारे कम होते जाएंगे। अब देखिए ये हमने इस साइड कर ली, और अब ऐसे बनाएंगे तो ये इसके ऊपर से यहाँ पे क्रॉस हो जाएगी, और ये पूरी रो हम येलो से उल्टा उल्टा बनाएंगे। एंड तक मैं इसे बना लेती हूँ। ये देखिए नीचे तक मैं आ गई हूँ। दो फंदे हमने पहले छोड़े थे, दो हम इस बार छोड़ देंगे। दो दो फंदे हम यहाँ से छोड़ते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। फर्स्ट वाला उतार लिया, और ये पूरी रो हम उल्टे उल्टे बनाएंगे। इसी तरीके से आपने इसको बनाना है, और जब आपकी पट्टी ख़त्म हो जाए तो देखिए मैं ख़त्म होने वाली है, तो हम इसमें जॉइंट कैसे लगाएंगे वो भी आप एक बार देख लीजिए। जब भी आप साड़ी चुन्नी या किसी भी कपड़े की पट्टी से बनाओगे तो ऐसे हम इसमें जॉइंट लगा लेंगे। ऐसे आप इसको रोल कर लीजिए, ऐसे पकड़ के रखिएगा जब तक आपका जॉइंट अंदर ना चला जाए। ये देखिए, और पूरी रो में ऊपर तक इसी तरीके से बना ले। एक बार फिर से देख लीजिए हमने इसको पट्टी को कैसे यहाँ पे लेना है। इसको हम पीछे करेंगे, पीछे से रेड हम ऐसे क्रॉस करके आगे लेके आएंगे। थोड़ा सा आप इसको टाइट रखिएगा, हमारा बीच में यहाँ पे गैप ना बने। ये देखिए ये हमारे चार फंदे रेड के हैं, तो हमने रेड से बना लिए। अब हमारा आगे वाइट है तो इसको हम पीछे कर देंगे, पीछे से वाइट पट्टी आगे लेके आएंगे ऐसे क्रॉस करके, और ये हम अब वाइट से बना देंगे। ये देखिए ये बॉर्डर की हमारी चार रो कंप्लीट हो गई हैं बनके। अब हम इसका कलर चेंज कर देंगे। ये देखिए ये हमारा बॉर्डर है, ये ऐसे ही चलेगा। ये देखिए सीधी साइड से हमने बना लिया है। अब यहाँ से हम इसमें अपना कलर चेंज कर लेंगे। मैं इसमें
दो रो के बाद, चार रो के बाद करूँगी, आप दो रो के बाद भी कर सकते हो। ये देखिए चार रो में हमारी ये दो लाइन बन गई। आप ये एक लाइन भी बना सकते हो, जैसा आपको पसंद हो आप वैसा ही बनाइएगा। यहाँ से मैं इसमें छह फंदे हम इस कलर से बना लेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, एक इसको आप ऐसे टाइट करके इसको आप अंदर की साइड कर लीजिए। इसको मैं अंदर ही थोड़ा सा दबा दूंगी, आप नोट लगा के भी पक्का कर सकते हो इसको। ये देखिए चार, पाँच और छः। अब हम इस ब्लू से बनाएंगे यहाँ पे चार रो, और इसको ऐसे क्रॉस करना मत भूलिएगा। और अब हम ये देखिए ऐसे रेड से बनाएंगे, एक दो तीन चार, एक हम आगे से ले लेंगे। इसको भी ऐसे टाइट करिएगा आप हर बार। और ये हम पीछे फिर से दो फंदे हम छोड़ देंगे। एक बार मैं आपको छोड़ के और दिखाऊंगी, फिर आपको ये इसी तरीके से आपने इसको बनाना है। लास्ट में फिर से हम दो फंदे छोड़ देंगे। दो पहले छोड़े थे, दो हमने पिछली बार और दो अब। छह फंदे हमारे छूट गए हैं पीछे। राइट साइड से जो जैसा है मैं वैसा ही बना लूँगी। ये देखिए फिर से देख लीजिए एक बार, क्रॉस कर लेंगे। इस साइड से हमने जो जैसे कलर का फंदा होगा उसी कलर से बनाना है। इस साइड में हमने कोई भी चेंज नहीं करना है। अब हम इसको पीछे करेंगे, ये ब्लू है तो हम ब्लू को आगे ले आएंगे, और ये छह फंदे हम ब्लू से बना देंगे। और किनारे वाले को हम सीधा बनाएंगे। ये देखिए अभी फिर से देखिए, दो रो हमने इसकी बना ली हैं, दो और बनानी हैं। ये मैं आपको एक बार यहाँ से दिखाऊंगी, पीछे से हमारा वैसे ही बनेगा। देखिए इसको हम इस साइड कर लेंगे और ये रेड से बना देंगे। तो देखिए यहाँ पे ऐसे सुई की तरह सिलता जाएगा। अब ये देखिए हमारे तीन, चार, पाँच और हमने एक और इसमें ऐड कर लिया। इसको ऐसे टाइट करेंगे और ये पूरी रो मैं यहाँ तक बनाऊंगी, दो फंदे फिर से छोड़ दूंगी। राइट साइड से जो जैसा है वैसा ही बना के मैं यहाँ से आपको एक बार फिर से दिखाऊंगी। ये देखिए ब्लू की भी मेरी दो लाइन बन गई है, दो लाइन मेरी वाइट की बन गई थी। अब फिर से हम बॉर्डर के फंदे ये देखिए ऐसे चेंज कर लेंगे। अब मैं ये छह फंदे वाइट से बनाऊंगी, ऐसे इसको ऐसे टाइट कर लीजिए। ये देखिए ये हमारा डिज़ाइन इसी तरीके से चलेगा। अंदर का डिज़ाइन हमारा चेंज होता रहेगा, लेकिन ये खाली हमने चार रो के बाद अपना कलर चेंज करना है। ये पूरा राउंड सर्कल में इसी तरीके से चलेगा। ये देखिए इसकी चार रो उतारने के बाद फिर से हम ये कलर लगा लेंगे, और ये ऐसे ही हमने अंदर की तरफ बढ़ना है एक एक फंदा, और पीछे से हम दो दो फंदे छोड़ते हुए ऊपर तक आएंगे। ये हमने एक और कन्वर्ट कर लिया और आगे हम येलो से बना लेंगे। तो इस साइड से हम दो दो फंदे छोड़ते हुए ऊपर की तरफ आएंगे, इस साइड से हम अंदर की तरफ आएंगे। जब ये दो फंदे मेरे ऐसे रह जाएंगे तो मैं आपको आगे का दिखाऊंगी, ये कली अंदर की तरफ बढ़ेगी। बाहर से हमने इसी तरीके से बनाना है, चार चार रो के बाद अपना कलर चेंज कर लेना है। ये हमारा बॉर्डर के इसी तरीके से चलेगा। तो फ्रेंड्स मैं इसे थोड़ा सा बना लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का दिखाऊँगी। ये देखिए यहाँ तक मैंने सारे ही फंदे छोड़ दिए हैं, और ये रेड वाला हमारा यहाँ से ऊपर की तरफ ये पत्ती आ गई है। ये हमारा बॉर्डर ऐसे ही चलेगा। अब देखिए यहाँ तक हमने फंदे छोड़ लिए हैं। अब हम फिर से अपना हर बार की तरह कलर चेंज करेंगे चार रो के बाद।
किनारे के फंदे को फ्रेंड्स आप ज़्यादा भी टाइट मत खींचिएगा। देखिए छह फंदे मैं ब्लू से बना लूँगी, ऐसे आप क्रॉस करना मत भूलिएगा। देखिए ऐसे हमारा ये अब थोड़ा सा ज़्यादा बन गया दिखाई देगा और बिल्कुल भी इसमें बीच में गैप नहीं है। और ये रेड के फंदे हम सारे रेड से, अब येलो के फंदे नहीं बनाएंगे, येलो हमारी पत्ती कंप्लीट हो गई है। देखिए यहाँ तक हमने फंदे छोड़ दिए थे सारे, अब ये दो फंदे हम रेड के भी छोड़ देंगे और हम यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे। इसी तरीके से हम ये रेड के भी फंदे सारे ही दो दो करके छोड़ लेंगे और ये हमारी ये वाली पत्ती येलो से कंप्लीट हो गई है। अब हम येलो कलर यूज नहीं करेंगे। अगर आप एक ही कलर से पत्ती बनाओ तो आप येलो कलर लगाइएगा, नहीं तो हम अलग अलग कलर से अलग अलग पत्ती बनाएंगे। अब देखिए क्रॉस कर लिया हमने ब्लू कलर का और ये छह फंदे हम ब्लू से बनाएंगे, पांच उल्टे बनाएंगे, किनारे का फंदा सीधा बनाएंगे। ये देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, दो रो ही हमारी, ये तीसरी रो है पाउडर की, तो हम ब्लू से ही बना लेंगे। रेड के हमने यहाँ तक ऊपर बॉर्डर तक फंदे सारे ही दो दो करके सारे फंदे छोड़ने हैं। ये देखिए फिर से हम दो फंदे छोड़ देंगे और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। ये दो दो करके हम यहाँ तक ये फंदे छोड़ लेते हैं, ये दो किनारे के नहीं छोड़ेंगे, ये हम रखेंगे, ये तीन बार हम दो दो करके छोड़ देंगे। तो मैं इसको इतना बना लेती हूँ थोड़ा सा, फिर मैं आपको ऊपर का दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ तक हमने दो दो करके ये रेड वाले भी सारे ही फंदे छोड़ दिए हैं, ऐसे इसकी लुक आई है। अब हम क्या करेंगे ध्यान से देखिए, छह फंदे हम ब्लू से बना लेंगे और इसको हम ऐसे करेंगे और अब ये बाकी के सारे ही फंदे जो हमने दो दो करके छोड़ रखे हैं रेड के और येलो के, ये हम सारे ही फंदे बना लेंगे नीचे तक, बिल्कुल एंड तक हम ये बना लेंगे। देखिए हमने सारे रेड के बना लिए और ये हम येलो के बना लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स ये है जो अब हम आगे दूसरा कलर लगाएंगे, तो इसको आप ऐसे काट दीजिए और इसको हम अंदर ही इस साइड में ऐसे दबा देंगे, इसको हम पक्का कर देंगे ऐसे ताकि ये निकले ना। ये देखिए दूसरी कली में हम अपना ऊपर दूसरा कलर लगाएंगे, इसलिए हमने इसको यहीं पे ख़त्म कर दिया। नीचे तक बिल्कुल एंड तक हम सारे फंदे रेड से बना देंगे। येलो की हमारी कली कंप्लीट हो गई है, आप इसे कली भी बोल सकते हो, पत्ती भी बोल सकते हो, लेकिन अभी हमारा ये रेड की बची हुई है तो अब हम इसको कंप्लीट करेंगे। अब नीचे तक हम आ गए हैं, ये देखिए ऊपर से ऐसी लुक है और हमने नीचे तक इसको बना लिया है। फर्स्ट वाले को उतार लेंगे और ये पूरी रो ऊपर तक मैं ऐसे ही उल्टा उल्टा बना के और आगे के छह फंदे में ब्लू से बना के इस रो को मैं कंप्लीट करूँगी। ये देखिए इस रो को मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए पलट लेंगे, अब फिर से देखिए इसकी हमारी चार रो हो गई, तो बॉर्डर में हम कलर चेंज कर लेंगे। अब हम अपना बॉर्डर को भी आप मल्टी कलर से बना सकते हो।
जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप इसे बनाइएगा। ये मैंने 6 फंदे का बनाया, आप यहाँ पे 8 फंदे का, 10 फंदे का। अगर आपको चौड़ा बनाना है तो आप ज़्यादा चौड़ा बनाइए, 4 फंदे का भी बना सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस होगी। ये देखिए, और ये पूरी रो, अब हम ये जो रेड फंदे हैं फ्रेंड्स हमारे, ये भी हम सिंपल बनाएंगे। अब इस कली को एक ही कलर है हमारे पास रेड, और नीचे तक हमारा यही कलर है, तो हम इसको बिल्कुल बॉर्डर ऐसे ही बनाएंगे, और यहाँ से हम बिल्कुल ऐसे सिंपल बनाएंगे, और 2 फंदे हम नीचे से छोड़ देंगे। दो दो करके हमने रेड के सारे फंदे छोड़ने हैं। एक बार मैं आपको दिखा दूँ, बिल्कुल सिंपल बनाना है यहाँ से आपने। इसलिए मैंने आपको बोला था कि जो भी आप ये 2 फंदे हमने डाले थे, ये हमारा कलर सबसे ज़्यादा लगेगा। हर कली के बाद हमने कलर, आपकी कली आप किसी भी कलर से बनाइए, जैसे मैंने येलो बनाई है, उसके बाद फिर आपने ये हर बार रेड कलर ही यूज करना है। इसलिए जो भी आपके पास कलर ज़्यादा हो उसको आप, उसके आप 2 फंदे डालिएगा। 2 फंदे हमने छोड़ दिए, यहीं से हम वापस मुड़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये 2-2 करके सारे ही फंदे हमने यहाँ तक छोड़ने हैं, सिंपल बनाना है, बिल्कुल फंदे छोड़ने हैं, और बॉर्डर को हम इसी तरीके से बनाते जाएंगे। इसको मैं बना लेती हूँ, बिल्कुल सिंपल है, फिर मैं आपको आगे का दिखाऊंगी। इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए, ये सारे ही हमने 2-2 करके यहाँ तक ऊपर तक फंदे छोड़ लिए हैं। ये देखिए, ये हमारी कली कंप्लीट हो गई, बॉर्डर हमारा ऐसे ही चला है। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम अपना, 4 रो हमारी हो गई है, बॉर्डर का कलर हम चेंज कर लेंगे। ये देखिए, 6 फंदे हमने ये बनाएंगे हम ब्लू से। ध्यान से देखिए, 2-2 करके हमने सारे ये फंदे ये छोड़ दिए हैं। इसके बाद हम 6 फंदे हम ये बना लेंगे ब्लू से। यहाँ से देखिए, हम ये वाला कलर, 2 हम ये फंदे इससे बनाएंगे। 2 फंदे हमने बनाने के बाद यहाँ से हम अपना कलर, अगली कली का कलर हम यहाँ से सेट कर लेंगे। इस रो में हम अपना कलर भी लगाएंगे फ्रेंड्स, और हम ये जो 2-2 करके हमने फंदे छोड़ रखे हैं, इनको भी हम बना लेंगे। ये देखिए, इसको आप ऐसे दबा दीजिए। हर कली अलग अलग कलर से आप इसमें बना सकते हो। बैक साइड से भी हमने इसको बहुत ही सफाई के साथ बनाया है। ये देखिए, पूरी रो मैं नीचे तक इसी तरीके से सारे ही फंदे मैं बना लूँगी, जो हमने 2-2 करके छोड़ रखे हैं। देखिए, नीचे तक, एंड तक ऐसे ही हम बनाएंगे। ये हमारी अगली कली की स्टार्टिंग हो गई है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। आपको मैं इसको स्टार्ट करके देऊँगी, फिर इसी तरीके से आपने इसको बनाना है। बाद में मैं 2 नीडल्स में हाफ हाफ करके दिखाऊंगी इसके फंदे, ये काफ़ी बड़ा बन के कम्प्लीट होगा, क्योंकि जब भी हम साड़ी और चुन्नी से, किसी भी कपड़े की पट्टी से बनाते हैं, तो ये हमारा बड़ा बन जाता है। इस साइड से मैं ये फंदे यहाँ तक इस कलर के बना लूँगी, 2 मैं रेड से बना लूँगी, और 6 मैं पीछे ब्लू से बना लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने यहाँ पर येलो ये पत्ती बनाई है, कली बनाई है, ये हमने इसकी यहाँ पे स्टार्टिंग कर दी है। तो आपने क्या करना है, इसी तरीके से हम ये बनाएंगे, इस बॉर्डर को हम ऐसे ही चलाएंगे, और पीछे से हम 2-2 फंदे इसमें छोड़ देंगे, यहाँ तक आ जाएंगे, और इस साइड से हम रेड अंदर की तरफ बढ़ेंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिए, इसी तरीके से आपने इसको बनाना है। ये देखिए, 6 फंदे हम ब्लू के बना लेंगे। सेम तरीका है, बिल्कुल जैसे हमने नीचे से स्टार्टिंग की थी, उसी तरीके से हम इसको बनाएंगे। यहाँ से हम इसको ऐसे क्रॉस कर लेंगे, क्रॉस करना मत भूलिएगा। ये 2 फंदे हैं हमारे,
और एक हम इसमें से कन्वर्ट कर लेंगे। ये हमारे फंदे यहाँ पे बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे और ये ब्लू वाले फंदे हमारे कम होने स्टार्ट हो जाएंगे, ये देखिए। और इसी तरीके से हम नीचे तक जाएंगे और नीचे से फिर से हम इसमें दो फंदे छोड़ देंगे। मैं इसको बीच में हाफ करके एक बार फिर से आपको दिखाऊंगी, ये देखिए। इसमें दो फंदे हम फिर से नीचे से छोड़ देंगे। जब हमारी ये कली बन के कम्प्लीट हो जाएगी, फिर ये हमारे जो रेड के फंदे हैं जो हमारे यहाँ पे ऊपर थे, उनको भी हम दो दो करके छोड़ देंगे। और फिर हम एक बार सारे फंदे नीचे तक बना के और फिर से ये रेड वाले फंदे हम दो दो करके ऊपर तक छोड़ेंगे और फिर आपने अगली कली की स्टार्टिंग करनी है। तो ये इसी तरीके से बनेगा, बहुत ही सुंदर बन के कम्प्लीट होगा। मैं इसको कम्प्लीट कर लेती हूँ, बनने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी इसकी लुक कैसी आई है। तो आप भी बना लीजिए, मैं भी इसे कम्प्लीट कर लेती हूँ इसी तरीके से बनाते हुए। ये देखिए मैंने बना के इसे कंप्लीट कर लिया है, बहुत ही प्यारी इसकी लुक आई है। और फ्रेंड्स मेरा ये 7 कली में बन के कम्प्लीट हुआ है, आपका 8 कली में भी बन सकता है, कली इसकी कम ज़्यादा बन सकती है, वो बनाने के ऊपर होता है। और अगर आपको पूजा का आसन बनाना है तो बीच में फ्लावर मत लगाइए। ये देखिए मैंने लगाया है फ्लावर इसमें, तो बहुत ही प्यारी इसकी लुक है और बनाने में बहुत ही आसान है, बिल्कुल नया डिज़ाइन है फ्रेंड्स। तो आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।